हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अली अकबर एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। बड़ी माज़रत दोस्तों, एक आध दिन का हमारे दरमियान एक गैप रहा, तो गैप की वजह यही थी कि हम थोड़े से मसरूफ़ थे। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो मामला चल रहे हैं सियासी तौर पर, तो उस वजह से गैप रहा। खैर, आज फिर हम आपके लिए जो खबर लेके आए हैं वो खबर है भारत के हवाले से और भारतीय शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से। तो खबर बड़ी मज़े की है। खबर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश यही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, मुकम्मल देखा करें ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल हो। खबर ये है जी कि भारतीय जो मूवी है पुष्पा, ये सबने देखी हुई है और ये बड़ी फेमस मूवी है। तो पुष्पा के जो किरदार थे उल्लू अर्जुन, अर्जुन मेन करेक्टर थे पुष्पा के अंदर और बड़ी बेस का गाना जो है वो टिकटॉक के ऊपर भी बड़ा फेमस है, तो वो आ गए जनाब पुलिस के गिरफ्त में। जी हाँ, पुष्पा फिल्म के हीरो जो हैं जनाब उल्लू अर्जुन जो हैं वो आ गए हैं पुलिस की गिरफ्त में। और पुलिस की गिरफ्त में आने की वजह क्या बनी वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले फिर अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। वजह ये बनी कि जनाब हैदराबाद में थे और गाड़ी पर जा रहे थे और इन्होंने ट्रैफिक रूल्स की जो है वो खिलाफ वर्जी की। ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी करने के बाद इनको पुलिस ने पकड़ लिया। अब ट्रैफिक रूल्स में ना तो इन्होंने कोई ओवर स्पीडिंग की थी, ना ही इन्होंने कोई रैश ड्राइविंग की थी, इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी था, हर चीज़ थी। तो फिर ट्रैफिक के कानून की खिलाफ वर्जी किस तरह से हुई, आप यकीनन ये सोच रहे होंगे। तो ट्रैफिक के कानून की खिलाफ वर्जी इस तरह से हुई कि मोहतरम की गाड़ी के जो शीशे थे वो कलर शेड थे। मतलब भारत में ये जिस तरह पाकिस्तान के अंदर कलर शेड जो है वो नहीं रख सकते या ब्लैक पेपर नहीं लगा सकते गाड़ी के शीशों के ऊपर, इस तरह भारत के अंदर भी कलर शेड जो है वो शीशे नहीं रखे जा सकते। तो मोहतरम जो है उन्होंने कलर शेड रखे हुए थे, कलर शेड रखने की वजह से पुलिस ने उनको रोका। रोकने के बाद वो जो गुफ्तगू होती है वो की और उसके बाद उन्होंने पुष्पा के हीरो का जो है वो चालान कर दिया। उनको पकड़ के वो ले नहीं गए, उन्होंने गिरफ्तार करके जो है वो कोई पुलिस थाने के अंदर नहीं लेके गए, पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं लेके गए, बल्कि सिर्फ 700 रुपए का चालान किया, मामूली सा चालान। और चालान करने के बाद उन्होंने उल्लू अर्जुन को जो है वो जाने दिया। तो ये थी खबर। और इस खबर के अंदर एक मज़े की चीज़ है जो आप देख सकते हैं कि किस तरह वहाँ पर कानून जो है वो कोशिश की जा रही है कि सबके लिए बराबरी की सतह पे हो, कि एक फेमस हीरो, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली होता है कि इस तरह का कोई हीरो हो तो उसे छोड़ देते हैं, रियायत दे देते हैं, कई जगह पे नहीं भी देते लेकिन अक्सरियत ये देखने को मिला है। लेकिन वहाँ पे देखे कि किस तरह उनका चालान कटा और उन्होंने चालान कटवाया, उन्होंने भी कोई किसी किस्म की कोई कॉल या कोई किसी किस्म का थ्रेट या कुछ इस तरह का मामला पुलिस वालों से नहीं किया। तो ये थी हमारी खबर, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।